दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन का रसीद कैसे काटा जाता है ऑनलाइन। तो आप अपना ज़मीन का रसीद खुद से भी काट सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट वीडियो और स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुड टिप्स चैनल। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हम इसी तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाते रहते हैं। तो दोस्तों ज़मीन का रसीद अगर आप ऑनलाइन काटना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन से यानी एंड्रॉयड फ़ोन से भी काट सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर में भी काट सकते हैं। यानी कि आप कहीं पे भी अगर ज़मीन का रसीद काटते हैं तो सेम ही प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो कोई सा भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर टाइप करना है आपको bhulagaon.bihar.gov.in। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप वहाँ पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार। तो ऑनलाइन रसीद काटने के लिए ऑनलाइन भुगतान करें पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या सब डिटेल भरना है तो वो मैं आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके ज़िले का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आप जिस भी ज़िले में रहते हैं बिहार के अंदर, कोई भी अगर आप ज़िले में रहते हैं वो ज़िला का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने ज़िला का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। तो ज़िला का नाम सेलेक्ट करने के बाद अंचल का नाम यानी कि आपका थाना कहाँ पड़ता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम अपने यहाँ पे अंचल का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे और ऐसा क्लिक करने के बाद यहाँ पे हल्का का नाम यहाँ पे आपको चयन करने के लिए बोलेगा, यानी कि आपका गाँव का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और मौजा का नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपको ये मौजा का नाम नहीं मिलता है तो आप अपने रसीद में देख सकते हैं, अगर आपके पिछले वित्त वर्ष रसीद कटाए होंगे ऑनलाइन तो उसमें ये सारा डिटेल दिया रहता है। तो यहाँ पे आपको जितने भी मैं डिटेल बताए ये सभी रसीद में ही रहते हैं, तो वहाँ से डिटेल आप इसमें भर सकते हैं देख के। उसके बाद भाग वर्तमान है और यहाँ पे पृष्ठ संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या वर्तमान ये क्या चीज़ होता है ये भी आपको रसीद में ही मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे भाग वर्तमान यहाँ पे टाइप कर देते हैं और टाइप करने के बाद पृष्ठ संख्या भी यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं और यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या जो ये आपके रसीद में भी मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या जो नए ऑनलाइन रसीद आपने कभी कटवाए होंगे वो मेंशन क्या रहता है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, तो ये आपको रसीद पे ही मिल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन रसीद काटा हुआ होना चाहिए तब ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुरक्षा कोड कितना होता है 8+3 यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे खोजे पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे खोजे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका ज़मीन निकल जाएगा, जिस भी रेत के नाम से होगा, जिस भी मालिक के नाम से ज़मीन होगा वो मालिक का यहाँ पे नाम दिखेगा और वो मालिक के खाता संख्या यहाँ पे दिखेगा ज़मीन का और भाग वर्तमान दिखेगा और पृष्ठ संख्या वर्तमान दिखेगा। तो यहाँ पे चलिए हम देखे पे क्लिक कर देते हैं और देखे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल यहाँ पे निकल जाता है, भाग वर्तमान, जिला नाम, अंचल नाम, मौजा, थाना, तेजी संख्या, यहाँ पे पृष्ठ संख्या, अनुमंडल, हल्का। तो यहाँ पे जो भी डिटेल है वो सारा निकल जाता है, जिसके भी नाम से ज़मीन है उनका रेत के नाम पे नाम दिखेगा, उनके पिताजी का नाम दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे निर्धारित लगान यहाँ पे दिखाया जाएगा, आपसे लगान कितना लिया जाएगा, 24.50 रुपये यहाँ पर लगान आपका लिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पिछले भुगतान का विवरण, तो भुगतान संख्या ये है और रसीद संख्या आपका यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे वर्ष से 2009 और 2010 और वर्ष तक 2019 से 2020 तक मेरा रसीद काटा गया, यानी कि 2010 से 2020 तक यहाँ पे हम ऑनलाइन रसीद कटाए थे और किस डेट को कटाए थे वो भी यहाँ पर मेंशन रहता है, किस टाइम में कटाए थे वो भी यहाँ पर मेंशन रहता और कितना राशि लगा था रसीद काटने में वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 270 है और पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि स्थिति सक्सेसफुल यानी कि सफलतापूर्वक ये रसीद कट चुका है 2020 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रसीद
का विवरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। रसीद का विवरण वही है, रसीद संख्या, और 2010 से लेके 2020 तक आप ऑनलाइन रसीद कटाए हैं, उसके बाद भुगतान तिथि यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप पिछला रसीद जो कटाए हैं 2010 से 2020 तक, तो उसका अगर रसीद निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखे पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप डाउनलोड क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये आता है कितना रुपया लगेगा रसीद काटने में, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुल बकाया राशि 49 रुपया है। और आपको अगर इस ज़मीन का रसीद काटना है, जैसे कि हमको इस ज़मीन का रसीद काटना है, तो कुल देय राशि यानी कि हमको 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा बिहार गवर्नमेंट सरकार को, तब ये रसीद कटेगा। तो अगर आपका ज़्यादा ज़मीन होगा तो ज़्यादा रुपया लगेंगे, अगर कम ज़मीन होगा तो कम रुपया लगेंगे। जैसे ये 10 कट्ठा का है, यानी कि यहाँ पे जो है इसका 43.6 डिसमिल का यहाँ पे 50 रुपया लग रहा है। आपका ज़्यादा, जितना ज़्यादा डिसमिल में ज़मीन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे रुपया लगेगा। 21 और 22 का नहीं कटा, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष से यानी कि 2021 से लेके 2022 तक मेरा रसीद नहीं कटा है, और कुल वर्ष 2 लिखा रहेगा। अगर आपका 5 साल का नहीं कटा रहेगा तो कुल वर्ष 5 में रहेगा। ठीक, तो टोटल मिला के जो है हमको लगान लिया जा रहा है 24 रुपया 50 पैसा 2021 का, और 2022 का 24 रुपया 50 पैसा। तो ये सब डिटेल आप यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर आप रसीद ऑनलाइन काटना चाहते हैं तो यहाँ पे री मीटर नाम में आपको क्या देना है, जैसे कि आपके जिस भी मालिक का आप रसीद काट रहे हैं, अगर वो मालिक इस धरती पे है यानी कि जिंदा है, तो उसका आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर उन्हीं का आपको देना है, एड्रेस भी उन्हीं का देना है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है जिनका आप रसीद काट रहे हैं, तो उनके बेटे का आप नाम दे सकते हैं और उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं, उनका बेटे का एड्रेस दे सकते हैं। तो सारा डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे आप एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे ये जो नंबर है इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, अगर कोई पेमेंट फंसता है ये आपको बहुत ही काम कर सकता है। तो ओके पे हम क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद और फिर इस पेज को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन भुगतान करें, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करना है, सारा डिटेल यहाँ पे आपको कितना लिया गया वो यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको और ऊपर करना है, यहाँ पे देखिए पेमेंट। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पेमेंट डिटेल्स में ई पेमेंट मतलब हो गया आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, या पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर पे आप दे सकते हैं कैश या चेक। तो यहाँ पे हम ई पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे नेट बैंकिंग का। तो यहाँ पे हम ई पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे कौन सा आपका बैंक है, जो भी यहाँ पे बैंक सिलेक्टेड है इसी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारा बैंक यहाँ पे, IDBI है, तो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, तो आप यहाँ पे बैंक चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है, आप देख सकते हैं अगर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपसे बैंक चार्ज कुछ नहीं लिया जाएगा। अगर आप अदर बैंक से करेंगे, स्टेट बैंक के छोड़ा के जितने भी है, बैंक IDBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी मार्केट में जितने भी बैंक है उससे करेंगे, तो बैंक चार्ज आपसे 6 रुपया लिया जाएगा। जो भी रसीद का चार्ज है उससे अलग 6 रुपया आपसे लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उससे आपको चार्ज 12.75 पैसे लिया जाएगा। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 12.75 रुपये यहाँ पे बैंक आपको चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम नेट बैंकिंग है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे योनो SBI अगर आप यूज करते हैं, ये एप्लीकेशन जो है नेट बैंकिंग का होता है, तो यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम इंटर करेंगे और पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका ब्रांच व्रांच दिखाएगा, और अमाउंट 50 रुपये आपसे लिया जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारा जो पेमेंट डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देंगे, और कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे वेरीफाइड योर कन्फर्मेशन फाइनेंशियल डिटेल यहाँ पे आपको चेक कर लेना फिर से। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको
कंफर्म बटन पे फिर से क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, यानी कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपके खाते से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आप तो यहाँ पे हम ओटीपी दे चुके हैं। उसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे, और कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट जो है मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक मिनट इस पेज पे आपको वेट करना है। भी लिखा गया है क्लिक हियर टू रिटर्न, यहाँ पे 60 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये पेज लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए सेंड एनी वाई का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि लगान रसीद। तो यहाँ पे चलिए हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है लगान रसीद पे। तो चलिए हम लगान रसीद पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है मेरा रसीद यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, यहाँ पे देखिए जिला आ जाएगा, हल्का का नाम आ जाएगा, जमाबंदी संख्या, भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या आ जाएगा, जिस का ज़मीन है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, मौजा आ जाएगा, पता आ जाएगा, तो कितना डिसमिल है वो आपका आ जाएगा, खाता खेसरा आ जाएगा, अभी जो कटा है 2021 से 22 तक यानी 2 साल का कटा है वो आ जाएगा, कुल आपसे राशि लिया गया है 50 रुपये। तो यहाँ पे भुगतान तिथि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 18 अगस्त 2021, और ये QR कोड आपको मिल जाता है। अगर ये आप प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये प्रिंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा, और कहीं पे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे PDF पे क्लिक करेंगे, चाहे तो आप सेव करके भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे डन पे क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो आप कभी भी जाए तो इसका ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी कैफे वाले के पास यहाँ पे निकाल सकते हैं ये प्रिंट अपना ज़मीन का रसीद। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा डिटेल पता चल गया होगा किस तरह से ऑनलाइन रसीद काटा जाता है। तो आप अपने खुद से भी रसीद काट सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताया, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो दोस्तों इस चैनल पे आप जो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में काफ़ी आपको नॉलेज मिला होगा। अगर कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।